हेलो दोस्तों, मैं किशन। स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल से टूरिज्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ्रीक नेवरी लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ लाफागढ़, जो कि छत्तीसगढ़ का एक गढ़ था। ये मैंने नया सीरीज शुरू किया है दोस्तों, जिसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ के हर एक गढ़ के बारे में बताऊंगा। इसमें से यह पहला है लाफागढ़। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों, यह जो लाफागढ़ है, यह बिलासपुर से 60 किलोमीटर और कोरबा से 63 किलोमीटर की दूरी पर कोरबा जिले में पाली के पास स्थित है। मैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह जो जगह है दोस्ती है, इसलिए फेमस है क्योंकि माना जाता है यहाँ राजा महाराजा रहा करते थे। असल में दोस्तों, जो असली किला है वह चैतुरगढ़ का किला है, लेकिन जो जमींदार थे, अंतिम जमींदार, वो यहाँ रहते थे। क्या आप उनका घर देख रहे हैं, जमींदार यहाँ रहते थे। यहाँ के अंतिम जमींदार का नाम महावीर सेवक सिंह था, जिनके बाद उनकी पत्नी अनुप कुमार देवी ने यहाँ की जमींदारी संभाली थी लाफागढ़ की। आज़ादी के बाद दोस्तों, जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद यहाँ के जो पुरातात्विक चीज़ें थी वो सब पुरातात्विक विभाग के अधीन हो गई और आपको यहाँ सिर्फ उनका मकान देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा पुराना मंदिर भी है, जो जमींदारों द्वारा बनवाया गया था। यहाँ आपको जमींदार के समय की कचहरी, मंदिर और उनके घर वगैरह देखने को मिलेंगे। पर्यटन की दृष्टि से दोस्तों यह काफ़ी पर्यटन अच्छा पर्यटन स्थल है और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सीताराम जी का छोटा मंदिर है, जहाँ रामनवमी के दिन काफ़ी भीड़ होती है। देखने से दोस्तों यह जो मंदिर है और यह जो घर है, यह काफ़ी जर्जर अवस्था में है और काफ़ी प्राचीन है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे पुरानी चीज़ें, प्राचीन चीज़ देखना पसंद है, प्राचीन जगह देखना पसंद है, उनका इतिहास में कुछ योगदान हो, तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए बाय।